इंदौर राव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी और पूर्व विधायक जीतू पटवारी इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। राव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी इन दिनों पूरे जोश के साथ ग्रामीण क्षेत्र में जनता के बीच पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने गोमटगिरी, गांधीनगर, बस्ती, नैनोत सहित अन्य गांव के अंदर सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान जीतू पटवारी उन स्थानों पर भी पहुंचे जहां मध्यम वर्गीय गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, जिन्होंने अपनी समस्या से पटवारी को अवगत कराया। पटवारी चुनाव अभियान के साथ साथ मतदाताओं की समस्याओं को निपटाने का वादा भी कर रहे हैं। इस दौरान चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी बात कही। इस वक्त विधानसभा राव के जाबाज उम्मीदवार पूर्व विधायक जीतू पटवारी जी हमारे साथ है। किन मुद्दों को लेकर वे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां उनके सामने हैं और मुख्य रूप से जनता के सामने जाकर वे क्या कह रहे हैं, इन सब बातों को लेकर हम आपसे चर्चा करने आ रहे हैं। जीतू भाई बताएं, इस वक्त का जो चुनाव है उसे आप किस नजर से देखते हैं, क्या लग रहा है आपको? ये चुनाव देश के बदलाव का चुनाव है और ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव। मध्य प्रदेश में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसानों के लिए उन्होंने कई योजनाएं चालू की, पर किसान फिर भी दिन पे दिन बद से बदतर होते गए। युवाओं के बेरोजगारों की खोज बन गई। इस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था का वातावरण है, महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार का जो व्यवस्था है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। पर राव विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण है कि परिवार के रूप में मैंने पूरे परिवारजनों को अपनाया और उन्होंने मुझे अपनाया। खूब आशीर्वाद, खूब कृपा, खूब आत्म से प्रेम मैं समझता हूँ कि मुझे मिल रहा है, वो अद्भुत है। मैं खुद भी अभिभूत हूँ, भावुक हो जाता हूँ कई बार कि कई परिवार के लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे। विरोधी पार्टी और विरोधी उम्मीदवार को किस रूप में देख रहे थे आप लोग, तुम्हारे क्या चुनौती सामने आती है? जहाँ तक विरोधी हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मधु वर्मा जी का सवाल है, उनकी उम्र मेरे पिता की उम्र से बड़ी है तो मैं उनको पिता तुल्य मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनके लिए कुछ कहना ठीक नहीं होगा, पर यह जरूर है कि अच्छी परंपरा ये होती है कि एक बेटा 70 साल के बाप को अगर काम करवाए तो वो नालायक बेटा होता है। अगर वो मेरे पिता तुल्य है तो मैं उनसे काम कैसे करवा सकता हूँ, जीतना मुझे ही पड़ेगा। इसलिए कि मुझे सेवा करने 70 साल में उनसे करवाऊँगा ये ठीक नहीं है, ये हिंदू परंपराओं के खिलाफ है। नकारात्मक बातें नहीं करता हूँ, घृणा की बातें नहीं करता हूँ, भगवान को चुनौती नहीं देता हूँ। अगर वो ही सब पहले से पता हो तो ईश्वर को चुनौती देने पर मैंने जैसा 5 साल प्यार किया परिवारजनों से, एक मध्य प्रदेश और मालवा में मैं ही विधायक ऐसा हूँ जिसका कहीं विरोध नहीं है। विधायक रहते हुए लगभग 99.99 परिवार के लोग साथ हैं। ये इस बात का घोतक है कि इस बार हम पे भरोसा बहुत बड़ी तादाद में जनता करने वाली है। हमारी बात जहाँ तक ये मंत्री बनने का या ये अधिकार बनाएगा, पर ये जरूर है कि मेरे पिता तुल्य उनको अभी शिविरों में आराम करवाऊँगा, काम नहीं करवाऊँगा।